ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। ऑलमैन हम लोग आ गए हैं और इसमें से जो है मुझे कुछ समझ आया है। बीच कलर निकाल रहे हैं, बीच बना रही हैं मिर्ची के पकोड़े। मुझे समझ में नहीं आता कि घर में तो पंखे इतने अंदर होते। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं? रोज़ा हमने अफ्तार कर लिया है और जो लोग जानते हैं कि ईद की नमाज़ होने से पहले पहले तक बाज़ार के चक्कर ख़त्म नहीं होते, तो वो सिलसिला मेरे साथ अभी जारी है। मेरे साथ क्या, फैज़ान भाई के साथ भी जारी है, वो भी घर वालों को लेकर गए हुए हैं और मैं भी जा रहा हूँ। जब तक ईद की नमाज़ नहीं होगी तब तक बाजारों के चक्कर ख़त्म नहीं होंगे और छोटे 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 इतने इतने से काम निकलते रहेंगे। तो अभी भी उस काम के सिलसिले में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है और इनके काम ख़त्म करवाने के बाद फिर फैज़ान भाई का और मेरी बारी आएगी चांद रात वाले दिन, कि जब हमारी वापसी होगी घर पर तकरीबन रात को 3:30-4 बजे। अम्मी कर रही होंगी इंतज़ार, निदा लगा रही होगी अपने कमरे में बैठ के चुपचाप अपने हाथों पर मेहंदी, और अम्मी इंतज़ार में ही होंगी, भाई सो रहे होंगे। फिर ईद के लिए आएगी मीठा जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद बांटा जाता है और आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से बांटते हैं। तो अभी हो रहे हैं 9:35 और बाहर जाने का है सीन, तो चलें जाता हूँ बाहर और होकर आता हूँ। आप नहीं जा रही, आप साइकिल चला रही हो। चलो राहिम, आप रेडी हो? जी मम्मा। राहिम ने जो है रात के कल 12 बजे अपनी साइकिल निकलवाई है। ये साइकिल जो है जब ये पैदा हुए थे, ये जबकि ये इनकी नानी ने इनको गिफ्ट की थी। चले जी। चलो आ जाओ, हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद इम्तियाज में। भाई साहब फंसे हुए हैं पिछले 15 मिनट से ट्रैफिक के अंदर। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, आप घर से बाहर निकले और कराची में फंस गए ट्रैफिक में। फाइनली हम पहुंच गए थे बाज़ार और ये हमारा पहला स्टॉप है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतना ख्वार हुए हैं ट्रैफिक में, फिर जाके पहुँचे हैं बाज़ार और अब हम जा रहे हैं डॉलमेन। हम लोग आ गए हैं और मुझे सिर्फ एक ही सूट लेना है क्योंकि सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं पहले। अब देखते हैं कि मुझे यहाँ पे पसंद आता है या नहीं। राहिम देखो क्या कर रहे हो, देखो आगे देखो। सफायर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, इनकी स्टिच कुर्तियाँ तो मुझे कुछ खास नहीं लग रही, बस ठीक है। प्रिंटेड ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, इनकी अनस्टिच जो कलेक्शन है वो इनकी थोड़ी बहुत अच्छी है। इसमें से जो है मुझे कुछ समझ आया है, मैं वो ले रही हूँ। लास्ट स्टॉप है हमारा इम्तियाज सुपरमार्केट, यहाँ से मुझे लेना है अपना कुछ मेकअप। फाउंडेशन लेना है, बीच कलर निकाल रहे हैं, बीच ठीक है, और पाउडर भी दिखा दें। मैं जो है मुसर्रत मिल पर ट्राई कर रही हूँ, फाउंडेशन मुझे चाहिए थी, अब देखते हैं कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय मेकअप शॉपिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम तो कल रात शॉपिंग पर से आ चुके थे बहुत ज़्यादा बेजार होकर, मैं और मोहम्मद राहिम। निदा का तो मालूम नहीं, क्योंकि औरतों से तो आप जितनी भी शॉपिंग करवा लो, जितने ही घंटे करवा लो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा और ना इनको पता चलता कि कितने घंटे गुजर गए। ये तो हम जैसे मासूम लोगों को पता चलता है। ट्रैफिक की वजह ही थी कि कराची में बंदा कार में तो घूमे, लेकिन ईद के दिनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन सी बात है कि आप ड्राइव करते हुए, हाँ बाइक पर आप जा सकते हैं, लेकिन बाइक पर भी बंदा कितनी देर बैठेगा, 10 मिनट 15 मिनट। अब आप एक ही ट्रैफिक के अंदर 1 घंटे के लिए फंस जाएँ तो क्या आलम होता है, जो ख़वातीन को समझ में बात नहीं आती। अच्छा, इसके ऊपर अचानक से मुझे एक बात याद आई, दो औरतें थीं
वो जेल के अंदर 20 साल कैद रहीं। दोनों एक ही बैरिक के अंदर थी, एक साथ रहती थी, दोस्ती हो गई। उन्होंने 20 साल मुस्तकिल बातें करी। जब वो जेल से आज़ाद हुई ना, उनको रिहाई मिली, तो उन दोनों ने आपस में बोला, अच्छा बहन बाकी बातें फ़ोन पर करेंगे। तो ये वाली बात बोलने का अभी मेरा मकसद ये था कि औरतों को आप कुछ भी बोल लो, लेकिन इनको शॉपिंग के टाइम तो पता नहीं चलता। और शॉपिंग क्या होती है, कैसे होती है, अगर आपको दिखाएं ना कि 3 घंटे में बंदा एक दुपट्टे पे पीको करवा कर लाया है, या 3 घंटे में खाली लेस लेकर आया है, या 2 घंटे में खाली लेस पसंद आई है, ख़रीदी नहीं है, भाई मैं कल लूँगी आकर, तो वो वाला कहानी होती है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे। तो कल रात के बज गए थे भाई 1, घर पर पहुंचते हुए फिक्स 1 बज रहा था। चुपचाप से आकर गेट नॉक किया, फैजान भाई को कॉल करी कि भाई गेट खोलो, अंदर आना है, अम्मी सो रही थी, अब्बू सो रहे थे। अब सीन कुछ ऐसा था, वीडियो नहीं बन सकी, अभी अपने दिन के थोड़े से काम कर रहे हैं, दूसरा दिन हो चुका है ये। और अच्छा एक और बात कि आज फिर बाज़ार जाना है फैजान भाई के साथ, कोई उनका एक आधा काम रहता है, उनका ही क्या, बस मेरा भी है कुछ हल्की फुल्की। कहा था ना मैंने आपको, जब तक ईद की नमाज नहीं होगी, जब तक हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे और नहीं होंगे। मिलते हैं आपसे बाज़ार में, या दिखाता हूँ आपको कि फैजान भाई के साथ क्या चीज़ें लेनी है और कौन हमें ज्वाइन करेगा बीच में, क्योंकि जिसको भी बताओ बाज़ार जा रहा हूँ, वो बोलेगा जी मेरा भी ये काम है, मुझे भी ले चलो, या मेरा ये काम कर दो। तो फिर मिलता हूँ आपसे बाज़ार के अंदर या बाज़ार से घर आकर, क्योंकि हालात अच्छे नहीं चल रहे बाहर के, तो मोबाइल वोबाइल घर पे छोड़ के जाना पड़ता है, ये हल्का वाला ये ले जाना पड़ता है मेरा मासूम सा। मिलते हैं आपसे आकर या बाज़ार में। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं बना रही हूँ इफ्तार के लिए फ्रूट चाट। फ्रूट चाट जो है वो मैं बना के रख दूँगी, और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं मिर्ची के पकोड़े जो है वो अम्मी मसाला वगैरह भर के इसमें रख देंगी। अब मसाला अम्मी इसमें भर के रख रही हैं, और रोज़े से थोड़ी देर पहले हम लोग इसको फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहें और गर्म रहें, खाने में मज़ा आए। रमज़ान में हम लोगों ने जितनी भी कुरान पाक पढ़ी थी, आज जो है वो हम लोगों ने बख्शवाई है, और जितने भी यहाँ पर घर हैं वहाँ पे हम सब ये देकर आएंगे। ये हम लोगों ने जो है वो बाहर से मंगवाई थी, और हमेशा की तरह इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर आएंगे फहद। इफ्तार हमने कर लिया है, और रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा आती है सुस्ती, मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, और कल से गला हो रहा है बहुत शदीद ख़राब, समझ में नहीं आ रहा क्यों। और अभी पीते हैं हम अपनी शाम की चाय। कल आपको मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा बाज़ार सामान लेने, थोड़ा शॉपिंग थी फैजान भाई के साथ, तो वहाँ पर जो है वो शूट कर नहीं सके ट्रैफिक की वजह, और दूसरा बाज़ार में जो एक दूसरे के ऊपर लोग ऐसे चढ़ के कर रहे थे ख़रीदारी, तो इसलिए कुछ भी बना नहीं सके। रात को 2 बजे वहाँ से आए फ्री होकर, और 2 बजे आना, फिर सोना, फिर सहरी की तैयारी, सहरी खाने की तैयारी। चाय पीकर आपको मैं दिखाता हूँ कि आज क्या बना है खाने में। तो जी सब गैस करें कैसा क्या बन रहा है, कि जिसके लिए हो रही है प्याज फ्राई। और ये वाला काम जो है वो बहुत मेहनत का होता है, माशाल्लाह से अल्लाह पाक अम्मी को सेहत अता फरमाए। अम्मी ये सारे काम खुद देखती हैं, और सारे मेहनत वाले काम अम्मी ही करती हैं, और ये कर रही हैं अम्मी प्याज फ्राई, क्योंकि ये किसके कहने पर प्याज फ्राई हो रही है, वो हो रही है अब्बू के कहने पर हलीम के लिए।
उन्होंने अपनी फरमाइश ज़ाहिर की थी कि मुझे हलीम खाना है और रमज़ानों में हमारे यहाँ एक बार हलीम ज़रूर बनता है क्योंकि अम्मी को भी पसंद है, अब्बू को भी पसंद है और तमाम घर सबको पसंद है और हिबा को तो इंशाल्लाह आपको उसको खाते हुए दिखाऊंगा फिर अपनी दादी के हलीम की नेक्स्ट टाइम कि वो किस तरीके से हलीम खाती है। ये हलीम हमारा माशाल्लाह से तकरीबन तैयार हो गया है, आखिरी मरहल के अंदर है। नोश तो शरबत को फरमाया जाता है, हम इसको उड़ाएंगे, खा जाएंगे। अब आपसे मिलते हैं इसको खाने के बाद। ईद की सफाइयाँ जो है वो ज़ोरों शोर से हो रही हैं क्योंकि ईद में रह गया है अब थोड़ा सा ही टाइम। और एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, वैसे तो सारे घर के जाले वगैरह मैंने ही साफ़ किए हैं, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो फहद ने मेरे हाथ से ये ले लिया और अब देखिए कैसे साइलेंट मोड पर लगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि घर में तो पंखे इतने अंदर होते हैं तो ये गंदे क्यों हो जाते हैं इतने शदीद। ये देखो तुमने तो चमका दिए फहद पंखे। मजदूरी मिलेगी ना, तीन पंखे और करने तुम्हें साफ। तीन नहीं चार, तीन करने, एक कॉमन का, एक अम्मी के रूम का और एक ड्राइंग रूम। हमने कर ली है खूब जमकर सफाई निंदा ने और मैंने मिलकर। अब जब तक ईद नहीं आएगी जब तक तब तक होती रहेगी थोड़ी बहुत टचअप और आप मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर थकन हो गई है, बहुत अजीब वाली बुरी वाली कि अब बस दिल कर रहा है सोने का। लेकिन अभी सहरी से फारिग होने के बाद दोबारा से नींद लूँगा मैं अपनी और उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि इसके अंदर आपको रूटीन्स दिखाने का यही एक बात है कि घर के मामला और चीज़ें आपको दिखाऊँ, आपको फूड के बारे में अच्छा रिव्यू दूँ। अभी रमज़ानों में तो आपको मैं अच्छा रिव्यू नहीं दे सका, इंशाल्लाह ईद के बाद ईद पर भी आपको दिखाऊंगा और हम जाएंगे दो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे भी हम थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ करेंगे शेयर। तो आप हमारी इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।